एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता, पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। कौवा तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग सफेद था। कोई ने इस पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? पक्षी ने हंसकर कहा, हंस। कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? हंस ने कहा, तोता। अब कौवा ने वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा। अब कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते के गले लाल रंग और तोता हरे रंग का था। कौवे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार जो दिखते हो। तोता मायूस हुआ और कहा, नहीं, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है। अब कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मोर शहर में चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वो एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग इसके साथ फोटो खींचवा रहे थे। ये देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवे मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे है। मोर उदास हुआ और कहा, किस बात के मजे? मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने की। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच, कोट्स के लिए आप मोटिवेशन वीडियो चैनल पर आकर देख सकते हैं। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।